राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये ब्लॉग तो नहीं मैं बोलूंगा, एक वीडियो है एंड मैं सपोर्टिंग वीडियो डाल रहा हूँ। ये अभी आपको आगे पता चलेगा किस बात पे है। एंड गाइस, मैं काफी ज्यादा, आपको पता ही होगा किस बात पे वीडियो है, ये इस बात पे है कि काफी ज्यादा इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर एंड हर सोशल मीडिया साइट पर आप देख लोगे ये चीज बहुत ट्रेंडिंग में फैल रहा है। ठीक है, जैसे कि भाई ये बात मैं कर रहा हूँ एलविश यादव की केस के रिलेटेड। मैं चाहता हूँ ये वीडियो पहले भी बना सकता था, बट मैंने वीडियो इतने दिन बाद इसलिए बनाना चाहा कि पहले बनाते लोग कहते भाई फेम खा रहा है, फेम खा रहा, फेम खा रहा। बट गाइस, बहुत ज्यादा ये हो रहा है, बहुत ज्यादा ही घटिया तरीके से हो रहा है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ेगा। एंड गाइस, आपको पता है मैं कितने बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ? 3:01 पे गाइस, 3:01 मैं वीडियो शूट करूँ। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, ये आप चेक करो, 3:01। सो गाइस, 3:01 में ये वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं देख देख के परेशान हो गया था, काफी माइंड फकड हो गया था कि मेरे को भाई बताना था। सो चलो गाइस, फिलहाल फोन को सेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, बट भाई गलत फहमी को दूर करना चाहिए। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम आप सभी को बोल के पहले इसको सेट कर लेता हूँ, रख देता हूँ मेरा फोन। ओके, सो गाइस, अगर थोड़ी सी भी वीडियो में आपको कुछ गलत या सही लगे, आप लोग प्लीज मेरे को ये चीज जरूर बताना। ठीक है, कमेंट कर देना कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं सही। सो गाइस, पहली बात तो इंस्टाग्राम पे मैं इतना देख रहा हूँ और ये, और ऊपर से मीडियाज का, भाई मीडिया वालों का, मैं तो भाई कुछ बोल नहीं सकता मीडिया वाले को। भाई कसम बता रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा नफरत किसी चीज से वो मीडिया से, भाई मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, मीडिया से एकदम नफरत है मेरे को। एंड ये जो एलविश यादव का वैनम केस हुआ है, रेप पार्टी वैनम केस, ये तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, उस पर ये सच है कि गलत है, वो तो भाई कोर्ट जज सब लोग बैठा है वहां देखने के लिए। बट पहली चीज, लोगों को लग रहा है एलविश यादव को घर से उठाई गई है, घर से उठाया गया, एलविश यादव को पुलिस उठा के ले गई कि ये किए वो कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। मेन रीजन ये था कि एलविश यादव को बुलाया गया था वहां पे सिर्फ पूछने के लिए, और पूछने के बाद वो 2 घंटे बाद बुला, 2 घंटे बाद सीधे मेडिकल कराए, मेडिकल कराने के बाद सीधे जेल ले गए। सो सीधा बात यहां तक है, ना कुछ भाई किसी को पता था, वो व्यक्ति वहां रुकता नहीं कि भाई मेरे को जेल लेने वाली, वो वकील अपना प्रोवाइड करके जाता कि मेरे को भाई बच के निकलना है, फर्स्ट चीज। ठीक है, एंड बस आप लोग रील से चेक करो भाई, रील। ठीक है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई एक चीज आप बताओ, किसी के पेरेंट्स को ऐसे बेइज्जत किया जाता है, आप ये बताओ। टीचर का बेटा है, हमने दुनिया के बच्चों को पढ़ा दिया, अपने को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, और फक्र है मुझे, हर बार मैं उसका पिता बनना चाहूंगा। और कैसे देखो बाप, किसी के बाप कैसे रो रहा है आप देख सकते हो। टीचर का बेटा भाई, ठीक है, हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, हम लोग सिर्फ एलविश जो डालेगा या एलविश जो करेगा वो हम दिखा रहा हूँ वो हम लोग देख सकते हैं। बट भाई किसी के माँ बाप, किसी को पैदा किया, मेरे मन में मैं कुछ कर रहा हूँ भाई, मेरे फैमिली को पता रहेगा मेरा बेटा क्या कर रहा है, किस टाइप का है वो, तो ये ना बुला के मीडिया जो घटिया तरीके से बात कर रही है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ, कसम से मैं मुझसे सच बता रहा हूँ, बाई गॉड मेरे मुझसे गाली निकल रहा है। बट सही बात है, जब टैलेंट तक बीट कोई नहीं कर पाता है ना, तो एग्जाम कोई मेनका गांधी जो कर रही है भाई, ये किस बात पे करी है, क्या बदला ले रही है, बट मेरे को इतना पता है सिस्टम हैंग होगा, ये गलने की बात, तो सिस्टम हैंग होगा। अभी उसने वो यूट्यूबर सिंगर के भी बताई, देखिए हमारे में फिर बाप को बस भाई भाई सही बात है भाई, देखो किसी की भी लड़ाई भाई, किसी की फैमिली को, अगर तुम मेरे फैमिली को बोलोगे मेरे माँ बाप को आग से जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई मैं चूतिया नहीं हूँ कि मैं हंस के टाल दूंगा भाईचारा ऑन टॉप, ये सब भाई हटा दो साइड, अगर मेरी फैमिली में बात है तो मैं फाड़ दूंगा पकड़ के, ओपन चैलेंज, मेरे फैमिली तक बात मत पूछे। एंड भाई इससे पहले काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा था कि भाई, कुछ मैं देख रहा हूँ ना जो लोग डालते हैं कि हिंदू हिंदू बीजेपी करते, हिंदू कट्टर हिंदू की तरफ से, तो ठीक है भाई, वो भी बिग बॉस जीता है, वो इतना बड़ा स्टार है, बट वो कभी ये दे दिखाता, वो सिर्फ क्या लिखते हैं बायो में लिख चलता है हिंदू कट्टर हिंदू, भाई कट्टर हिंदू है, और एक मुनव्वर को वो गले लगा लिया, हक कर लिया, बात कर लिया, तो आप लोगों को लग रहा है कट्टर हिंदू नहीं है। भाई जी बताओ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है, विराट कोहली भी मैच खेलता है, तो विराट कोहली अगर बाबर आजम को गलत लगा लेता है, हाथ लगा लेता है, तो भाई मतलब वो कट्टर हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है यार, क्या नॉनसेंस तुम लोग फैला रहे हो भाई, क्या मतलब क्या रूमर तुम लोग डाल रहे हो भाई, कुछ तो सोचो। अच्छा एक चीज मेरे को बस क्लियर क्लियर से देना, अगर कोई मुस्लिम बहन है, ठीक है, उसको कुछ चोट लगी है, उसको कुछ हुआ है, तो वो इंसान उसकी मदद ना करे, कोई अगर मैं खड़ा हूँ आप खड़े हो तो आप मदद नहीं करोगे, उसको छोड़ दो कि भाई मुस्लिम में जाने दो, भाई थोड़ा सा तो इंसानियत इज्जत होगी भाई, देखो दूसरों का मत देखो, अपने अंदर देखो, अपने अंदर झाको, अपने गिरवान में कि तुम कैसे हो,
ठीक है, तो ये चीज मत करो यहाँ पे, गंदे एड़े चाली मत सीन फैलाओ ब्रो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सबसे। एंड जहां तक बात है अल्विश यादव की बेल की, जमानत की या क्या, भाई 14 दिन की केस हुई उसके पे, जेल हुई है, मतलब 14 दिन का जेल हुआ उसको, पर 14 दिन के अंदर अंदर उसको बेल मिलना डन है, ठीक है। होली से पहले, ये मेरी वीडियो आ रही है कल, तो होली से पहले उसको जमानत होने वाली, ये लिख के रख लो आप लोग, ठीक है। और जहां तक बात है उस पर जो NDA एक्ट लगा था वो भी हट चुका है, पुलिस गलती से लगाई थी और पुलिस को वहां से हटा दिया गया, जो लोग गलती से लगाए थे उनको गलत दिखा दिया गया, क्योंकि भाई आपको पता है किसकी सरकार चल रही है, नोएडा पुलिस में तो यूपी योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो हमें पूरा रिस्पेक्टेड, तहे दिल से मैं बोलता हूँ योगी जी पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है, पूरी विश्वास है, केस का वारा न्यारा बहुत अच्छे से कर देंगे, सत्य में विजयते, ठीक है, पहली से खत्म। एंड गाइस किसी को झूठ सच मत करो, फेम मत गंदा करो यार, प्लीज फेम के लिए वीडियो मत बनाओ, जो रियल है वो दिखाओ भाई। एक चीज मैं बता दूं, मैं ठाकुर हूँ, मैं एल्विश यादव को क्यों सपोर्ट करूँ भाई, मेरे को पता है ना, मैं उसको देखा हूँ, मैं मतलब जानता हूँ, मैं वीडियोस देखता हूँ उसकी, ये वो भाई पहला वो ऐसे यूट्यूबर है, ठीक है, जो हिंदुओं के लिए कुछ किया या कहा है खड़े होके यूट्यूब पे सामने आके, कोई भी चीज़ या कोई भी कांड हुआ है कुछ भी, कोई हिंदुओं के लिए सपोर्ट में खड़ा हुआ है अपनी वीडियो में, कोई यूट्यूबर नहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। जो अभी उड़ उड़ के आ रहे हो तुम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, ये गलत सलत चीज दूर करो। और जो जो तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा है भाई, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, मेरे को पता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं देखा हूँ मैं क्या की, मैं हर चीज की नोटिस करता हूँ। एंड गाइस मेरे पूरे सोशल मीडिया में आप देख सकते हो सिर्फ अल्विश यादव, सिर्फ अल्विश यादव, ये देख रहे हो हर जगह अल्विश, हर जगह अल्विश यादव, अरे भाई। और इंस्टा छोड़ दो, ठीक है, मैं यूट्यूब आपको दिखा रहा हूँ, आप यूट्यूब चेक करो, यूट्यूब चेक करो, दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ये आमिर जिनकी करियर खा गया वो, ये अब उसके बारे में बता रहे हैं। अबे ये देखो हर जगह एल्विश एल्विश एल्विश, अभी इसके ऊपर जाओगे फिर एल्विश ही आएगा, देखना ना कहीं ना कहीं आएगा, तो ये देखो भाई, मतलब ठीक है हर लोग आ रहे हैं आ रहे हैं, बट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, होली से पहले एल्विश यादव की जमानत हो जाएगी जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि भाई योगी आदित्यनाथ है, आपको पता ही है, गलत को गलत सही का सही, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है मेरे को, एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे को कोई प्रॉब्लम है भाई, मेरे को पता है एल्विश ऐसा कर नहीं सकते। एंड जहाँ तक लोग अभी रूमर फैला रहे हैं ना, कार 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 रेंट पे लाता है, ये कुछ मोटो ब्लॉगर्स में जैसे आमिर वाजिद हो गया भाई, अच्छा वीडियो बनाता है, मोटो ब्लॉगर है, बट भाई ना सच में वो बंदा इंसान को नीचे गिराता है। इनकी कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बढ़िया छेटी थी ना भाई, मजा आ गया था, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, गॉड, इनकी कॉन्ट्रोवर्सी देखा था, मेरे को बहुत मजा आया था, बहुत ही ज्यादा इसलिए आया था क्योंकि भाई छोड़ो यार क्या ही बोले बस मुद्दे पे, बट वो भी डाल रहा है कि रेंटों पे कार ले आ रहे, ये आ रहे वो आ रहे, ये हंसने लिए मुझे डाला, मैंने भी उसका ट्वीट देखा है, बट चिल करो ब्रो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये बंदा जो दिख रहा है आपको ये ठीक है ब्रो, जब निकलेगा ना उसके खुद एक एक की चुन चुन कर लेगा, जो माँ बाप को रुला रहे ना बेटा, सबकी बैंड बजेगी, इसलिए हेट मत फैलाओ अल्विश यादव को, अल्विश आर्मी और मैं हमेशा खड़ा हूँ भाई के साथ, ठीक है। तो अल्विश यादव में भाई फुल सपोर्ट है, एंड जय राजपूत आना, कोई टेंशन नहीं, राजपूत साहब भी साथ में है, ठीक है, सो राव साहब एंड राजपूत साहब लोग साथ में है, तो कोई टेंशन की लूडी नहीं आएगी। सो गाइस प्लीज ये हेट मत लो और वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड भाई अल्विश यादव तो भाई दिल में बसता है भाई, कट्टर हिंदू, जय श्री राम, लव यू। सो गाइस चलो बाय बाय, एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल करना, ठीक है, आप लोग समझ लो मैं क्या बात कर रहा हूँ, जय श्री राम।